हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्रता। दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री 2 की डे 6 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन। देखो, स्त्री 2 जो कर रही है ना, ऑल टाइम ग्रॉसर रही है ना, उनके साथ कम्पीट कर रही है। अब इसका मुकाबला कोई छोटी मोटी या एवरेज फिल्म या भाई 200-300 करोड़ वाले के साथ नहीं हो रहा, इसका मुकाबला कम से कम 500 करोड़ ही फिल्मों के साथ हो रहा है। डेली उन्हीं के साथ कम्पीट कर रही है और उन्हीं जैसा कलेक्शन लेकर आ रही है। तो स्त्री 2 जो है ना, 500 करोड़ ग्रॉस तो लेकर आने वाली है। बहुत 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 प्यार से मैंने अपने रिव्यू में पहले दिन बोला था, अगर ये 500 करोड़ से कम कमाएगी ना, फिल्म अंडर परफॉर्मर मानी जाएगी। वो बात सच होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 300 करोड़ ग्रॉस कर चुकी है, ट्रेड ने डाल दिया है, 300 करोड़ ग्रॉस हो चुका है। इस साल 300 करोड़ करने वाली कितनी फिल्में हैं, चंद बताता हूं आपको। कल की 2898 AD, फाइटर, हनुमान एंड स्त्री 2, ये फोर्थ फिल्म है जो 2024 में सिर्फ 300 करोड़ के पार गई है, नहीं तो कोई भी नहीं गई थी। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब ये जो मुकाबला दे रही है ना, 2023 की बड़ी बड़ी फिल्मों को देख रही है। भाई मैंने कल क्या बोला था, इसका मंडे कितना आएगा, 26 करोड़ आया, कितना, 38 करोड़ प्लस, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। देखो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सिंगल स्क्रीन जो है ना, BCD सेंटर्स जो है ना, जो छोटे छोटे शहर हैं वहां पर कर रही है, जो ट्रैक भी नहीं हो पा रहा, और जब अगले दिन जब कलेक्शंस आता है निकल के, वो सबको शॉक करके चला जाता है। भाई राखी वाले दिन 38 करोड़ रुपए लेकर आई, जो प्रेडिक्शन हद ना लोगों ने 30 करोड़ का दिया था, मतलब किसी की प्रेडिक्शन से कितना ऊपर गया है कोई सोच भी नहीं सकता। अब सोचो तुम, फर्स्ट मंडे का हाईएस्ट था टाइगर की 3 के पास 58 करोड़, बाहुबली 2 था 40.28 करोड़, भाई एनिमल 40, गदर 2 38 एंड स्त्री 38.40। अब सिक्स्थ डे यानी कि ट्यूसडे पर ये रिकॉर्ड कौन होल्ड कर रहा है, और स्त्री क्या उधर तक पहुंच पाएगी। नंबर वन के ऊपर है गदर 2, जिसने पहले सिक्स्थ डे के ऊपर 32.37 करोड़ किया था, एनिमल 27.8, बाहुबली 2 26, पठान 25.5 एंड धूम 3 24 करोड़। ये वो फिल्में हैं जिन्होंने अपने सिक्स्थ डे के ऊपर हाईएस्ट कलेक्शन किया था। टॉप 5 आज क्या कर रही है स्त्री 2 बताता हूं आपको। मॉर्निंग ऑक्युपेंसी 19.50, आफ्टरनून 37, इवनिंग 42, ये वर्किंग डे है भाई साहब। 2024 में ना वीकेंड्स के अंदर भी ऐसी ऑक्युपेंसी कोई नहीं ले पा रहा था, जो ये वर्किंग डे में लेकर आई है, वो भी 5 दिन की छुट्टी के बाद। अगर पहला दिन वर्किंग डे आता है ना, ऑक्युपेंसी धड़ाम से नीचे गिरती है। इसकी मॉर्निंग ऑक्युपेंसी 19.5% है, जो बड़ी बड़ी फिल्मों की 2024 में ना वीकेंड में नहीं जा रही थी, तो ये साइन है ये फिल्म नहीं थम रही है। देखो 19 करोड़ कमा चुकी है 8 बजे तक। आज की जो मेरी प्रिडिक्शन है ना, वो मैं ना थोड़ी सी हम हद में रहकर दे रहे हैं, मैं 24 करोड़ की प्रिडिक्शन देकर जा रहा हूं, और जहां तक मुझे लग रहा है डेली प्रिडिक्शन फेल हो रही है ना, मेरी आज की प्रिडिक्शन फेल होगी, और ये 26 से 27 करोड़ आज भी लेकर आएगी। जैसे कल जो मैंने 26 बोला था ना, वो 38 आया, आज मैं 24 बोल के जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं मेरी प्रिडिक्शन फेल हो, 26 से 26.5 करोड़ रुपए आए भाई बहुत जल्द ना, ये वीकेंड तक जाते जाते ना 400 करोड़ पार कर जाएगी, और 500 करोड़ तो हलवा हो जाएगा अब इसके लिए, क्योंकि अभी कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो इस फिल्म को रोक पाए, इसके तूफान को रोक पाए। बहुत जबरदस्त और बहुत शानदार कलेक्शन कर रही है, इंडस्ट्री फिर से बूस्टअप हो गई है, और ये सब चीज देखकर मजा आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।